फोन में दो सिम कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर आई आफत। दो सिम इस्तेमाल करने वाले जरूर देखें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कभी ऐसा भी हुआ करता था कि पहले वक्त में सिर्फ एक सिम का इस्तेमाल फोन में देखने को मिलता जाता था और अब दो सिम मोबाइल का इस्तेमाल करना काफी आम हो गया है। आजकल लगभग हर व्यक्ति के पास ड्यूअल सिम देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको भी यह मालूम होगा कि ज्यादातर लोग दो अलग टेलीकॉम कंपनी के सिम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक ही सिम का इस्तेमाल सिर्फ कॉल सुनने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य सिम फोन या इंटरनेट आदि का उपयोग। लेकिन इसके कारण टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण सभी कंपनियों ने 35 रुपए, 65 रुपए और 95 रुपए के साथ 3 न्यूनतम रिचार्ज पेश किया गया है, जो केवल मोबाइल के ग्राहकों को रिचार्ज करते वक्त अपनी सिम सेवा जारी रखने की अनुमति देते हैं। हर कोई ग्राहक हर महीने दो सिम कार्ड पर अलग से रिचार्ज नहीं करवा सकता और इसी कारण लोगों को आने वाले वक्त में सिर्फ एक सिम का ही इस्तेमाल करना काफी अच्छा होगा, ताकि ग्राहक अच्छे से एक सिम पर रिचार्ज करवा के अच्छे से आनंद ले सकेंगे। गौरतलब है कि मोबाइल यूजर ने पहले अपने फोन पर सिर्फ एक ही सिम का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें एक ही नंबर पर अलग रिचार्ज करना पड़ता था, लेकिन समय के साथ तकनीक बदल गई और अब दो सिम वाले स्मार्टफोन्स की बाजार में भरमार है। ऐसे में मोबाइल ग्राहक अलग अलग टेलीकॉम कंपनी के सिम मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस कंपनी की सर्विस अच्छी मिलती है उसी में रिचार्ज करा रहे हैं। इसी कारण से हर कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब इस रिचार्ज के आने के बाद नए नियम में सिम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस नए नियम में आप मात्र एक सिम का ही इस्तेमाल करें, जिसके कारण चलते आप मात्र एक सिम पर अच्छी तरह से रिचार्ज करा पाएंगे या दूसरे सिम की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। अगर आप अपने मोबाइल फोन में मात्र एक सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आप मात्र एक सिम रिचार्ज कराएं, जिसके चलते आपका एक भी सिम कार्ड बंद नहीं होगा और अपने इस दूसरे सिम कार्ड की परेशानी से छुटकारा पा जाएंगे। अगर आप भी दो सिम कार्ड का प्रयोग करते हैं, अगर हाँ तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर खबर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।